नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। रियो ओलंपिक में दुनिया की नंबर दो खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग यान को 22-20, 21-19 से दी मात। 2012 में लंदन ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं वांग यान। पहलवान नरसिंह यादव की बड़ी मुश्किलें। वाडा ने नरसिंह को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ खेल पंचायत में की अपील। मामले पर 18 अगस्त को होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ बच्चों को मुफ्त में दिखाएगा भारत न्यूजीलैंड टेस्ट। कानपुर के ग्रीन पार्क में 22 से 26 सितंबर तक खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच। विकलांग और सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 20% सीट होंगी रिजर्व। अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट कर भारतीय सिस्टम पर साधा निशाना। खिलाड़ियों के मेडल न जीत पाने के लिए भारतीय व्यवस्था को ठहराया जिम्मेदार। निशानेबाजी में पदक से चूक गए थे अभिनव बिंद्रा। और ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों के समर्थन में बोले अक्षय कुमार, खिलाड़ियों का पदक पाना एक बड़ी उपलब्धि पर साथ ही मिलनी चाहिए वित्तीय सहायता। ये तो ही खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।